धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। अगर किसी भी काम को हम पूरी तवज्जो या ख्याल से करते हैं तो उसमें हम जरूर सफल हो जाते हैं। हमारी तड़फ कह लो या लगन कह लो, उसी के सहारे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दुनियावी काम हो या भक्ति का काम हो, दोनों ही काम मेहनत, लगन और ख्याल से ही संपूर्ण होते हैं। इस ध्यान या लगन के अंदर ऐसी अंदरूनी पावर है कि अगर ये हमारे अंदर जाग जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें मालिक का रूप बनने से नहीं रोक सकती। मस्ताना जी के टाइम एक शब्द बोला करते थे, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। किसी भी नाम का जाप करना बहुत ही सौखा काम है, मगर उसी नाम को प्रैक्टिकल करने में मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। एक फकीर ने ठीक लिखा है, रसना राम कहत है थाको, पानी कहत कभी प्यास बुझते है, प्यास बुझते जब चाखो। एक जगह और लिखा है, बिन देखे बिन अर्श पर्श के, नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनी जो होए, निर्धन रहे न कोई। बाहर दुनिया में जितने नामों का उच्चारण किया जाता है ये सभी आसान काम है, मगर जो रूहानी फकीरों द्वारा सतगुरु के हुक्म से शब्द दिया जाता है उसका ध्यान दोनों आँखों के बीच में ख्याल को रख के सिमरन करना बहुत ही कठिन काम है। मन किसी को अंदर नहीं जाने देता, सौ रुकावटें डालता है। शुरू शुरू में मन का मुकाबला करना ही भजन में शुमार किया जाता है। बाहर मुखी किसी भी नाम का जाप करना आसान है, मगर किसी कामल फकीर द्वारा बताए गए शब्द का सिमरन करना जवानी की मौत मरने जैसा होता है। औखा काम जरूर है, मगर हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है, बाकी मालिक की मौज पे छोड़ना है। जब ठीक और जायज समझेगा जरूर दरवाज़ा खोलने के लिए आएगा। एक बार का जिक्र है कि गुरु नानक देव जी महाराज एक जगह गए तो वहाँ का बादशाह कहने लगा कि जी आप हमारे साथ नमाज पढ़ो। महाराज जी कहने लगे कि चलो ठीक है। सभी नमाज पढ़ने लगे तो गुरु नानक देव जी महाराज उसी तरह खड़े रहे। नमाज खत्म होने के बाद बादशाह ने पूछा कि आपने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी, आप तो चुपचाप खड़े रहे। तो महाराज जी ने फरमाया कि किसके साथ पढ़ता, आप तो कावल में घोड़े खरीद रहे थे। आप खड़े तो यहाँ थे मगर आपका ध्यान कावल में था। बादशाह कहने लगा कि चलो मेरा ख्याल तो उधर था, आप मौलवी के साथ पढ़ते। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि इसका ख्याल घोड़ी में था, मौलवी की घोड़ी सोने वाली थी, वो जिस जगह बंधी हुई थी उसके पीछे खड्डा था कि अगर घोड़ी अचानक सू गई तो कहीं उसका बच्चा खड्डे में ना गिर जाए। महाराज जी ने फरमाया कि मौलवी जहाँ खड़ा जरूर था मगर इसका ख्याल अपनी घोड़ी में था। बोलो आप दोनों ही जहाँ पर नहीं थे, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता। एक फकीर ने हमारी अंदरूनी हालत देख के ठीक लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख माहे, मनुआ तो दे दिस फिरे, ये तो सिमरन नाहे। बताओ ये कौन सा सिमरन है, ये सिर्फ दुनियावी दिखलावा है और खुद अपने आप को धोखा देने वाला काम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।